कुराने पाक में कुछ ऐसी शख्सियात का जिक्र मिलता है जिनको इंसानी इर्तका के इब्तदाई दौर में अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी ताकतें और हकूमतें अता की। उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों को मखलूकात को मुसख़र किया। उन्हीं में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुराने पाक में नुमाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हकूमत इब्तदाई तौर पर तो ऐसी थी जैसे उनसे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम और शमूएल अलैहिस्सलाम की थी, या शमूएल अलैहिस्सलाम के साथ तालूत जो उनका बादशाह ठहरा था उनकी थी। लेकिन यहूदी उलमा ने जादूगरों से मिलकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत शुरू की। शयातीन के जरिए इनकी हकूमत के ऊपर हमले किए गए, इनकी हकूमत को बड़ा नुकसान पहुँचाया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इन पर अपना इनाम किया और इनको ऐसी ताकत अता की कि जिन्नात को भी इन्होंने मुसख़र कर लिया, जिन्नात और शयातीन पर काबू पा लिया और वो तमाम इनके ताबे हो गए। इसी तरह अल्लाह ताला ने इनको चरिंद परिंद और हवाओं पर भी हकूमत अता की। इसी तरह का एक जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन के मतलब मिलता है। इसमें इख्तलाफ है कि वह नबी थे या गैर नबी थे, ज़्यादातर राय यही है कि वह नबी नहीं थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको हमने ज़ुल्करनैन को मशरिक में भी हकूमत दी, मगरब में भी हकूमत दी, गोया कि ऐसा ज़ाहिर होता है कि पूरी दुनिया में उनकी हकूमत रही। और ये वही ज़ुल्करनैन थे कि जिन्होंने याजूज मजूज को कैद किया और उनके शर से इंसान को महफूज किया। तारीख तबरी में अपने जरीर लिखते हैं कि एक बादशाह थे जमशेद, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के आगे या पीछे उनका वक्त गुजरा। ये जमशेद ऐसा बादशाह था कि इसको अल्लाह ताला ने ऐसी ही ताकतें अता की थी जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की। इसके ताबे जिन्नात किए गए, चरिंद परिंद, बड़े बड़े जानवर, तमाम मखलूकात, इवन हवा भी इसके ताबे की। इसको बहुत बड़ी हकूमत और ताकत दी गई। मिलता है कि तकरीबन 600 साल हुकूमत जमशेद की रही। ये जमशेद वो शख्स था जिसने जिन्नात के जरिए बड़े बड़े पहाड़ खुदवाए, उनसे संगमरमर और कीमती पत्थर निकलवाए, उनसे अमारात बनवाई। और इस जमशेद बादशाह ने ही सबसे पहले जिन्नात की मदद से सोना, लोहा, चांदी वगैरह ज़मीन से और समुद्रों से इसने निकलवाए, यानी कानकनी का आगाज़ इसने जिन्नात के ज़रिए किया और फिर इंसानों को भी ये अमल आ गया, उनमें भी उनकी भी सिखलाई हो गई। इस जमशेद बादशाह ने सबसे पहले दुनिया में असला बनवाया, तलवारें और नेज़े भाले जिन्नात की मदद से लोहा निकलवाया, फिर उसको पिघलवा के इसने ये सबसे पहले असला साजी की सनत का आगाज़ किया। कपड़ा बाफी की सनत का आगाज़ भी सबसे पहले जमशेद बादशाह ने किया। ये तमाम बड़ी बड़ी जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतें थी, और हम आज देखते हैं कि इतनी तरक्की होने के बावजूद भी कई ममालिक ऐसे हैं जो सोना चांदी ज़मीन से नहीं निकाल सकते। तो उस अदवार में देखें, अगर पुराने कई हज़ार साल पहले हम देखते हैं कि हमें जेवरात मिलते हैं सोने चांदी के, तो ये कैसे आया, कैसे ये कानकनी कैसे कर ली इंसानों ने इस कदर कदीम दौर में, जबकि जदीद मशीनरी भी नहीं थी। तो ये जमशेद बादशाह के दौर में जिन्नात के ज़रिए सबसे पहले ये इसका आगाज़ किया और ये सोना चांदी ज़मीन पर निकाले गए, ज़मीन के अंदर से निकाले गए। ये जमशेद बादशाह तकरीबन 600 साल हुकूमत करने के बाद जब इसको बहुत ज़्यादा ताकत और बड़ी हुकूमत मिल गई तो ये भी नाशुकरा हो गया। इब्ने जरीर लिखते हैं तारीख़ तबरी की अव्वल जिल्द में कि इसी जमशेद बादशाह ने फिर खुदाई का दावा कर डाला और अल्लाह ताला ने फिर एक और बादशाह जो है वो मुसल्लत कर दिया इसके ऊपर, जिसने इसको हलाक किया और उसकी हुकूमत का खात्मा हो गया।